आज की वीडियो में देखेंगे कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस टू गेट द इंडोनेशिया ई वीजा ऑन अराइवल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, और आज की वीडियो में मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है टू गेट द इंडोनेशियन ई वीजा ऑन अराइवल। तो इंडियंस इंडोनेशिया या फिर बाली जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं या फिर ई वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। इनके बीच में डिफरेंस और कौन सा बेटर है वो मैं इस वीडियो के एंड में कवर करूंगा, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और इस पूरी वीडियो को मैंने इन सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, और आप नीचे टाइम स्टैम्प पे स्क्रब करके किसी भी सेक्शन पे स्किप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशियन ई वीजा ऑन अराइवल की वेबसाइट पे देर इज़ अ ग्लिच इन रजिस्टरिंग। तो आप जब अपना अकाउंट बनाओगे ना तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे, तो उस ग्लिच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो वाला सेक्शन थोड़ा क्लोजली देखना, क्योंकि आपको भी वो प्रॉब्लम मेरे को लगता है डेफिनेटली फेस करोगे अगर उन्होंने वेबसाइट अपडेट नहीं करी इन मीन टाइम। तो हमने उस चीज़ का वर्क अराउंड ढूंढ लिया था, तो आई होप दैट हेल्प्स। अच्छा, प्रोसेस में जाने से पहले मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो है वीज़ा फ़ी। सो इंडोनेशियन वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा ऑन अराइवल, दोनों की फ़ीस सेम है, दैट इज़ $35। आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से अबाउट 2700 इंडियन रुपीज़ बनता है। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात, और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। तो मतलब अगर आप कंप्यूटर पर बैठ रहे हो अपना ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करने के लिए, तो दो चीज़ें अपने पास रखना। एक तो हो गई आपकी फ़ोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपका फेस का हेडशॉट, इसकी सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा हो गया आपका पासपोर्ट फ्रंट पेज का स्कैन। ये दो चीज़ें हैं सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स अपने पास कंप्यूटर पर रखना हैंडी, क्योंकि ये आपके प्रोसेस में काम आने वाली है। तो बस यही चीज़ें चाहिए थी अब, और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस, एंड यू कैन फॉलो अलॉन्ग विद मी फॉर द कंप्लीट प्रोसेस, एंड आपका भी ई वीज़ा ऑन अराइवल लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय सर्चिंग बाली ई वी ओ ए ऑन गूगल। पहला ही लिंक आएगा जो नॉन एड लिंक होगा, वहाँ जाना है। तो जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एलिजिबल कंट्रीज़ जो ई वी ओ ए ले सकते हैं। तो विल क्लिक ऑन अप्लाई एंड विल क्लिक ऑन रजिस्टर। यहाँ रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, योर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल्स भरनी है। नेक्स्ट आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर आती है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे भी बेसिक डिटेल्स जो आपकी पासपोर्ट में मेंशन है, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, द बेसिक स्टफ़। तो ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट आपका पासपोर्ट का स्कैन अपलोड करना है। ये करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड क्रिएट करना है इस अकाउंट के लिए। तो ये सब जब आप कर लोगे, यू कैन प्रेस ऑन सबमिट। इस वाले पार्ट में मुझे प्रॉब्लम आई थी, मुझे एक्टिवेशन लिंक आया ही नहीं था ईमेल में, तो मैंने ये रीसेंट वेरिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके एक्टिवेशन लिंक अपने पास दोबारा भिजवाया, तो जाके मेरे पास एक्टिवेशन लिंक आया और मेरा अकाउंट एक्टिव हो पाया। बट सपोज़ कर लो आपने ये विंडो क्लोज़ कर दी है और आपके पास ये बटन दबाने का भी अब ऑप्शन नहीं बचा, तो कुछ नहीं, अपनी हिस्ट्री पे जाइए, हिस्ट्री में जाइए, ये वाले लिंक को दोबारा विजिट करिए, आपके पास सेम पॉपअप दोबारा आ जाएगा और वहाँ से भी आप रीसेंट वेरिफिकेशन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको ईमेल आ जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिव हो जाने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करिए। होम पेज में ऊपर नैव बार में एप्लीकेशन टैब में जाइए और ऐड पे क्लिक करिए। यहाँ आके आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे वीज़ा टाइप, वीज़ा ऑन अराइवल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयर, यहाँ अपना फ़्लाइट नंबर डाल दो, जिस फ्लाइट नंबर से आप बाली लैंड कर रहे होगे वो वाला, अराइवल डेट, जिस डेट पर आप बाली पहुँच रहे हो, देन रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन, आपके पास होटल कराया है, आपने विला कराया है, एयरबीएनबी कराया है, उस हिसाब से, और एड्रेस उस विला का या होटल का पूरा। इसी के साथ आपको प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सब भी भरना पड़ेगा, वो आपको एड्रेस देख के समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या भरना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप बस डिक्लेरेशन के पॉइंट्स से गो थ्रू करिए, अपना एक्सेप्टेंस दीजिए और सबमिट दबाइए। इसके बाद आपका एक बार एप्लीकेशन रिव्यू करने वाला पेज खुल जाएगा, फिर नीचे आके मेक अ पेमेंट के बटन पे क्लिक करिए, तो आपके पास पेमेंट पेज खुल जाएगा। वहाँ आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ $35 और कुछ कन्वीनियंस फ़ी भी लेते हैं ये ऊपर से।
तो आपके पास ऐसे एक इनवॉइस रिसिप्ट आ जाएगी। तो ये इनवॉइस रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। तब आप जब होम पेज पर जाएंगे, आप 2 मिनट वेट कीजिए और रिफ्रेश करिए पेज, तो आपके पास वेटिंग फॉर पेमेंट से स्टेटस चेंज हो जाएगा अप्रूव्ड का। यहाँ से आप विजिटर वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं अपना। तो ये तो था आपका ई वीज़ा ऑन अराइवल लेने का प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने ई वीज़ा ऑन अराइवल क्यों चूज़ किया ओवर द ट्रेडिशनल वीज़ा ऑन अराइवल, क्योंकि इसमें कोई कॉन्स है ही नहीं इस प्रोसेस के, सिर्फ प्रोज ही प्रोज हैं। देखो फ़र्क क्या है, मैं आपको मेन तो फ़र्क समझा देता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा ऑन अराइवल में फ़र्क ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल में आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग, फोटोग्राफ चिपकाना, फीस भरना, सब कुछ आप ऑन अराइवल करते हो इंडोनेशिया पहुंचने के बाद। ई वीज़ा ऑन अराइवल में क्या है, आप फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रिंग, फोटोग्राफ अपलोड, पासपोर्ट अपलोड, आपका इवन वीज़ा फी पेमेंट तक आप यहां से करके जाते हो। तो आपको बेसिकली अब आप वहां पहुंच गए तो आपके पास जो ई वीज़ा ऑन अराइवल का डॉक्यूमेंट है बस वो लेके इमिग्रेशन काउंटर्स पे जाना है। बेसिकली आपके पास वीज़ा ही आ गया, तो आप अपना क्यों टाइम वेस्ट करोगे वहाँ जाके, जब आप ये सब कुछ पहले से यहाँ कर सकते हो। और एक और बड़ा बहुत फैक्टर था कि जो फीस है $35, वो आपको वहाँ एग्जैक्ट चेंज देना पड़ेगा, एग्जैक्ट चेंज $35, या फिर उनको कन्वर्ट करके उनकी करेंसी में देना पड़ेगा। तो वो झंझट भी ख़त्म हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे आप $35 अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, आपको वो एग्जैक्ट चेंज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को इस पूरे कंपैरिजन में मेरे को कहीं पे भी कोई कॉन्स लगे ही नहीं ई वीज़ा ऑन अराइवल के, मेरे को प्रोज ही प्रोज लगे। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ई वीज़ा ऑन अराइवल लेके जाओ, आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, एंड इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट द ई वीज़ा ऑन अराइवल, आप इंडोनेशिया में बाली, जकार्ता कैसे जा सकते हैं। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके पास कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो या रिगार्डिंग एनी वीज़ा, जस्ट पुट इट डाउन इन द कॉमेंट्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।